हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आप सभी का केमिस्ट्री क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। दोस्तों, हम इस चैप्टर के लास्ट में हैं बिल्कुल, और इस चैप्टर के बुक के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज इस चैप्टर की हम लास्ट वीडियो बनाते हैं, कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हैं, मैं उन्हें बता दूंगा, फिर हम लास्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलो भाई, बुक के क्वेश्चन करते हैं। देखो इधर, मैं आपको शायद 23 क्वेश्चन करा चुका हूं बुक के। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, लास्ट वीडियो है। देखो इधर, क्वेश्चन कह रहा है, एल्यूमिनियम घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। आप भी संग संग नोट करें क्वेश्चन, एल्यूमिनियम घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। एल्यूमिनियम घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। इसका धात्विक अर्धव्यास, धात्विक अर्धव्यास पिकोमीटर है। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है हमको? नंबर एक, एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई। एक तो एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई ये ज्ञात करनी है। कोर किनारे की लंबाई है। और नंबर दो हमें ज्ञात करना है, एक सेंटीमीटर क्यू एल्यूमिनियम में कितनी एकक कोष्टिकाएं हैं। एक सेंटीमीटर क्यू एल्यूमिनियम में कितनी एकक कोष्टिकाएं हैं। क्वेश्चन को समझेंगे जब होगा ये हम पर। तो क्वेश्चन में दो चीज पूछी है, तो पहले हम सॉल्व करते हैं आंसर नंबर फर्स्ट। आप देखो, पहले सुनो, एल्यूमिनियम घनीय निबिड़ संकुलित संरचना। घनीय का मतलब आप समझ गए, घनीय का मतलब हो गया सीसीपी। घनीय निबिड़ संकुलित संरचना सीसीपी बनाता है, और सीसीपी एफसीसी एक ही बात है, घनीय निबिड़ संकुलित संरचना ये बनाता है। और इसमें आपने पढ़ा है कि इसमें कौन सी एकक कोष्टिका मिलती है, फलक केंद्रित घनीय, घनीय निबिड़ संकुलित संरचना है ये जैसे, तो इसमें एकक कोष्टिकाएं जो होंगी वो सब एफसीसी होंगी, तो इसमें एकक कोष्टिकाएं एफसीसी है। चलो, इसका धात्विक अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या दी है, ये परमाणविक त्रिज्या है, ये क्लियर, परमाणु की त्रिज्या है, तो हमको आर दे रखा है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, परमाणविक त्रिज्या 125 पिकोमीटर। अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट चाहो तो कर सकते हो, एक पिकोमीटर बराबर होता है 10^-12 मीटर, और सेंटीमीटर में कहूँ तो 10^-10 सेंटीमीटर, तो 125 × 10^-10 सेंटीमीटर आ गया। अब ज्ञात क्या करवा रहा है, कोर की लंबाई, ए कोर मतलब किनारे की लंबाई, ए ज्ञात करवा रहा है। तो आपको पता ही है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है, इसमें एफसीसी फलक केंद्रित घनी एकक कोष्टिका है, उनमें आपने ए और आर में संबंध पढ़ा है, √2a = 4r। अच्छा, अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्टिका में ए और आर में संबंध क्या होता है, √3a = 4r। आपको ए निकालना है, आप एक ए निकाल सकते हैं, ए बराबर आ जाएगा 4r/√2, सही है, और 4
आर का मान हो जाएगा 125 इंटू 10 की घात माइनस 10 बटे रूट टू सेंटीमीटर, इतना आ जाएगा। रूट टू का मान रख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, टाइम मिले जब, रूट टू का मान 1.414 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल है, आर दे करके ये पूछा है, संबंध पता है रूट टू ए बराबर 4R। अच्छा, इसका अब दूसरा पोर्शन, एक सेंटीमीटर क्यू एल्यूमिनियम में कितने का कोष्ठिका है, जैसे ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, कितना है एक सेंटीमीटर क्यू, तो ये तो एक तरह से क्या हो गया, क्रिस्टल जालक हो गया, एल्यूमिनियम है एक सेंटीमीटर क्यू। अब पूछ रहा है इसमें कितनी एकक कोष्ठिका है, इसमें एकक कोष्ठिका कितनी है, अब मुझे ये बताओ ये एक सेंटीमीटर क्यू क्या है। लड़के ने कहा दिमाग से, ये क्रिस्टल जालक का आयतन है, बात को समझ लेना खूब ढंग से भाई। सेंटीमीटर क्यू मात्रक से अडक लगाया, सेंटीमीटर क्यू मात्रक किसका होता है, आयतन का। कह रहा एक सेंटीमीटर क्यू में, मतलब एल्यूमिनियम का टुकड़ा है एक सेंटीमीटर क्यू का, उसके अंदर कितनी का कोष्ठिका है, तो वो एक सेंटीमीटर क्यू क्रिस्टल जालक का ही तो आयतन हुआ, और ये इसके अंदर एक कोष्ठिका, इनकी संख्या पूछ रहा है। मैंने यार कैसे निकालूं, आप एक बात बताओ, मैं दूसरी तरह समझाता हूं, उसने हमें इस ऐसे समझो है ना, मान लो ये क्रिस्टल जालक है, इसका आयतन 10 है, और इसमें प्रत्येक, मान लो क्रिस्टल जालक का आयतन, समझ आ रहा हूं उस तरह से, क्रिस्टल जालक का आयतन 10 है और इसमें प्रत्येक एक कोष्ठिका का आयतन एक एक है, कितना है एक एक, प्रत्येक एक कोष्ठिका का आयतन एक है, तो अब मैं आपसे कहूं कि इसमें एक कोष्ठिका कितनी है, तो आप कहोगे क्रिस्टल जालक का आयतन बटे एक कोष्ठिका का आयतन, तो 10 एक कोष्ठिका आ जाएंगी। अरे यार क्रिस्टल जालक का आयतन 10 है और एक एक कोष्ठिका का आयतन एक है, तो एक एक आयतन वाली उसमें 10 एक कोष्ठिकाएं होंगी, नहीं आई मेरी बात समझ में। आपके पास एक क्रिस्टल जालक है, मैंने कहा इसका आयतन 10 है और इसमें प्रत्येक एक कोष्ठिका का आयतन एक है, तो एक कोष्ठिका संख्या बताओ, तो आप कहोगे क्रिस्टल जालक का आयतन बटे एक कोष्ठिका का आयतन, सही है ना। तो अब मेरे को एक बात सोचो, मुझे यही तो पूछा है कि कितनी एक कोष्ठिका है, एक कोष्ठिका की संख्या पूछी है, और उसने मुझे दे रखा है क्रिस्टल जालक का आयतन, दे रखा है क्या, देख लो ढंग से, क्रिस्टल जालक का आयतन, मैं अपने दिमाग से करूंगा इसे, क्रिस्टल जालक का आयतन दे रखा है कितना, एक सेंटीमीटर क्यू दिया है ना क्वेश्चन में, और अगर मुझे एकक कोष्ठिका का आयतन भी मिल जाए, तो क्रिस्टल जालक के आयतन में मैं एकक कोष्ठिका के आयतन का भाग दे करके एकक कोष्ठिका की संख्या निकाल लूंगा। क्रिस्टल जालक का आयतन 100 है और मैंने कहा कि इसमें जितनी भी एक कोष्ठिका है प्रत्येक का आयतन 10 है, तो आप बताओ कितनी का कोष्ठिका है इसमें, 10 है, 10 आयतन की 10 है, जभी तो क्रिस्टल जालक का आयतन 100 आएगा। तो क्रिस्टल जालक का आयतन आपको दे रखा है एक कोष्ठिका का आयतन, ज्ञात कर लो आप एक कोष्ठिका का आयतन है, एक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई आपको पता ही है, ये रही ए, आपने भी ज्ञात की है, सही है। मैं इसको लिख देता हूं 4 × 125 गुना 10 की पावर माइनस 10, मेरी बात को समझो, बटे रूट टू, ये है ए, तो ए क्यू करूंगा मैं, जब आ जाएगा ये एक कोष्ठिका का आयतन, एक कोष्ठिका घनीय है, अंत है के फलक केंद्र घनीय है, एक कोष्ठिका का आयतन घनीय के कोष्ठिका का ए क्यू, तो आएगा ए का मान आपने ज्ञात किया, पावर 3 लगाई ए क्यू, ये आ गया ए क्यू। अब आपको निकालनी है एक कोष्ठिकाओं की संख्या, बताओ क्या करना चाहिए, क्रिस्टल जालक के आयतन में एक में भाग लग जाएगा ए क्यू का, क्रिस्टल जालक के आयतन में एक कोष्ठिका के इस आयतन का भाग देवेगा, तब जा जाएगी एक कोष्ठिकाओं की संख्या। कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, मैंने आपको बता दिया है कैसे होगा, दोबारा सुन लो, आपने ए निकाल लिया है, ए क्यू कर दूं मैं ए क्यू, तो वो एक कोष्ठिका का आयतन आ जाएगा, ये एक कोष्ठिका का आयतन, क्रिस्टल जालक का आयतन उसने दे रखा है, अगर क्रिस्टल जालक के आयतन में हम एक कोष्ठिका के आयतन का भाग दे देंगे तो हमें एक कोष्ठिकाओं की संख्या आ जाएगी। उसने यही तो पूछा है कितनी एक कोष्ठिकाएं हैं, क्लियर। बड़ा दिमाग का क्वेश्चन था, सिंपल था, पर वीडियो को पॉज करो और इसे एक बार नोट कर लो, ठीक है, इससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह ये करना है, ए क्यू की जगह ये पूरा आएगा,
अपने हिसाब से इसे नोट कर लो फटाफट। पूछ कर लिया, नोट करो जल्दी। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन इतने सारे हैं, क्या करें। क्वेश्चन नंबर 25 देखो इधर। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं एक बार बता देता हूं। आपसे कहें पोज तो पोज, नोट तो नोट। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि NaCl को SrCl2, यदि NaCl को, इसको ढंग से समझ लेना, SrCl2 के 10^-3 mol/L, 10^-3 mol/L से डोपित किया जाए मोल प्रतिशत से डोपित किया जाए तो धनायन रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा। क्वेश्चन का समझ लेना भाई। लड़का कहता है कि ये सबसे कठिन क्वेश्चन है इस बुक का, पर ये सबसे सरल है अगर समझ में आ जाए तो। NaCl को SrCl2 दोनों ने देख करके मुझे अशुद्धि दोष याद आ गया। याद आया NaCl के क्रिस्टल में, मैं याद दिला देता हूँ। NaCl के क्रिस्टल ऐसा ही होता है, NaCl का क्रिस्टल नहीं आ रहा याद। NaCl के क्रिस्टल को जब अल्प मात्रा में SrCl2 की अशुद्धि के साथ, SrCl2 की अशुद्धि से Sr+2 आयन आते हैं। NaCl को क्रिस्टल को अशुद्धि दोष याद दिला रहा हूँ, अल्प मात्रा में SrCl2 की अशुद्धि के साथ द्रवित करते हैं तो इसका एक Sr+2 आयन इसके कितने Na+ आयनों को प्रतिस्थापित करता है, दोनों को, और एक Na+ का स्थान ग्रहण कर लेता है। अरे इसकी संयोजकता दो है तो ये दो Na+ अन्य प्रतिस्थापित करेगा, एक Na+ का स्थान ग्रहण करेगा, दूसरे का स्थान क्या रह जाएगा, खाली, जिसमें अन्य आयन गति करने लग जाते हैं और चालकता आ जाती है। अब एक बात बताओ, ये कौन सी रिक्ति बनी है। अरे ये धनायन के स्थान पर बनी है, यहाँ पर कभी भूतकाल में Na+ था तो ये कौन सी रिक्ति बनी, धनायन रिक्ति। कौन सी रिक्ति बनी, धनायन रिक्ति या धनायन धनायनिक रिक्ति, कैसे कह लो इसको, सही है। अच्छा, एक Sr+2 आयन इसके अंदर आया तो एक ही तो रिक्ति बनी भाई। एक Sr+2 आयन दो Na+ को हटा करके एक Na+ का स्थान ग्रहण करेगा तो दूसरा खाली, मतलब एक Sr+2 आयन एक धनायन रिक्ति बना रहा है, सही है। अच्छा, एक SrCl2 कितना बनाएगा, धनायन रिक्ति एक, एक SrCl2 से एक Sr+2 आयन आएगा, एक Sr+2 आयन एक Na+ का स्थान ग्रहण करेगा, दूसरे Na+ का स्थान खाली, मतलब एक SrCl2 से, देसी भाषा में समझो, एक SrCl2 से एक Sr+2 आयन और एक धनायन रिक्ति बनेगी। तो वो धनायन रिक्तियों का सांद्रण पूछ रहा है। अब इसको समझो, क्वेश्चन को समझो। NaCl को SrCl2 के 10^-3 mol/L, इसका मतलब समझो, प्रतिशत 100 के लिए आता है, इसका मतलब यह है 100 मोल NaCl लिया है, प्रतिशत का मतलब NaCl कितना है 100 मोल, और उसमें 10^-3 mol SrCl2 मिलाया गया है। 10^-3 mol/L का मतलब समझ जाओ, इसका मतलब है, आंसर यहाँ से शुरू करता हूँ, 100 मोल NaCl में SrCl2 10^-3 mol/L, मतलब इसका मतलब है 100 मोल NaCl में SrCl2 10^-3 mol डोपित किया है। डोपित मतलब मिलाया है, अशुद्धि मिलाना डोपित कहलाता है, डोपन। सही है, तो 100 मोल NaCl में SrCl2 के 10^-3 mol मिलाए गए हैं,
सही है। अच्छा यहाँ पर धनायन रिक्तियों का सांद्रण, सांद्रण मतलब मात्रा पूछी है। अब ये किसमें पूछी है, ये पूछी गई है, इसका मतलब है एक मोल में, सही है, एक मोल NaCl में पूछी है कि कितनी बनेंगी। मेरे को बताओ क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हम समझ गए यहाँ तक, प्रतिशत का मतलब हो गया 100 मोल, 100 मोल NaCl में कितनी मोल मिलाया गया है SHCl2 10^-3 मोल, सही है। अच्छा अतः 100 मोल NaCl में निर्मित धनायन रिक्तियां कितनी होंगी मुझे तो ये बता दो। लड़का ने कहा 10^-3 मोल। अरे यार एक SRCl2 मिलाता तो एक रिक्ति बनती, यहां 10^-3 मोल SRCl2 मिलाया है, अभी समझा कटा हूं, तो 10^-3 मोल धनायन रिक्तियां बनेंगी कि नहीं बनेंगी। अब मुझसे पूछ रहा है वो धनायन रिक्तियों का सांद्रण मतलब एक मोल NaCl में पूछ रहा है, वो एक मोल NaCl में निर्मित धनायन रिक्तियां, ये पूछ रहा है वो। रिक्तियों का सांद्रण का मतलब समझ जाओ यहां पर भाई, सीधी सी बात है, 100 मोल NaCl में 10^-3 मोल SRCl2 मिलाया है तो इतनी ही तो रिक्तियां बनेंगी, पर वो एक मोल में पूछ रहा है एक मोल NaCl में निर्मित धनायन रिक्तियां। धनायन रिक्तियां का मतलब हो जाएगा एक मोल में, तो एक के काजे निकालना हो तो 100 कर दोगे, 100 मोल में इतनी तो एक मोल में 100 हो जाएगी, बराबर कितना आ जाएगा 10^-5 मोल, ये 10^2 है ऊपर जाएगा, तो इतनी रिक्तियां बनेंगी। मोल को आप एने में भी लिख सकते हो, एक मोल बराबर एक एने होता है, तो 10^-5 एने, एने का मतलब आप होगा ध्रुव संख्या। अरे एक मोल में कितना, एक मोल का मतलब कितना, 6.02 × 10^23 मतलब आप होगा ध्रुव संख्या, तो 10^-5 मोल को मैं 10^-5 एने लिख सकता हूँ, तो इतनी रिक्तियाँ बनेंगी। एने के मुझे इसका मान भी लिख सकते हैं आप, 6.02 × 10^23 सॉल्व भी कर सकते हैं, तो ये इस तरह से होगा। सांद्रण का मतलब है एक मोल में रिक्तियाँ पूछी हैं उसने, पोज करो नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कोई दम नहीं है 26 में, पाठ्य पुस्तक से आपको जो पढ़ाया गया है, आपकी थ्योरी जो आपको लिखाई गई है उसमें से इसे सॉल्व कर ले। ठीक है क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न को उदाहरण से समझाइए। लोह चुंबकत्व ये आपने पढ़ा है, अणुचुंबकत्व, फेरी चुंबकत्व, प्रतिलोह चुंबकत्व और वर्ग 12, 16, 13 वर्ग के यौगिक, ये सब आपको पढ़ाए हैं तो इन्हें तो आप कॉपी में से कर सकते हैं। अरे लोह चुंबकीय, अणुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, ठोस ये आपके हम लिख रहे हैं ना, तो उनको परिभाषित करवा रहा है आपकी कॉपी में लिख रहा है ये लास्ट वर्गीकरण। चलो मैं कुछ यहाँ तो ये बुक के बाहर के क्वेश्चन तो सॉल्व होते हैं, आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसमें से कराता हूँ बुक के ही, है ना। ठीक है बुक के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपसे करवाता हूँ। चलो भाई क्वेश्चन नोट करो, बुक के ही क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और करवा देते हैं, आज इस चैप्टर खत्म करते हैं ना। एक क्वेश्चन है देख लो इसे, अब ये है पाठ निहित प्रश्न जो बुक के अंदर है, पाठ निहित प्रश्न मतलब बुक में अंदर दे रखे हैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, जो एक तो मैंने अभी बुक के बाहर का के करवाए 26 क्वेश्चन, अब बुक के अंदर वाले। एक क्वेश्चन है ठोस कठोर होते हैं क्यों, देखो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है आप आंसर बताओ तो। ठोस क्वेश्चन 1.1, ठोस कठोर क्यों होते हैं। अब लड़के अलग अलग तरह से आंसर देते हैं, आता तो है
पर पेपर में आ जाए लिखने का तरीका नहीं आता कि लिखे कैसे, इसको समस्या ये है। जानते हैं ठोस कठोर क्यों होते हैं? हम कह सकते हैं जो ठोस है उसमें अवयवी कण आप खूब जानते हो, प्रबल अंतरान्विक बल, प्रबल अंतरान्विक मतलब समझ गए, अवयवी कणों के बीच में जो आकर्षण के बल हैं उनके कारण वे प्रबल ही तो हैं। ध्यान करो, शुरू शुरू में लिखा था अवयवी कणों के मध्य उपस्थित प्रबल आकर्षण के बलों के कारण अवयवी कण पास पास होते हैं ठोस में, सही है। तो हम कह सकते हैं, या ऐसे लिख दो सीधा, इस ठोस में अवयवी कणों के मध्य उपस्थित प्रबल आकर्षण के बलों के कारण अवयवी कण पास पास होते हैं, न्यूनतम दूरी पर होते हैं। यह बात जाने आप, प्रबल आकर्षण का बल है जब भी अवयवी कण न्यूनतम दूरी पर हैं, सही है। अच्छा, न्यूनतम दूरी पर होते हैं तथा एक सघन संरचना बनाते हैं। सघन का मतलब समझिए, ऐसी संरचना जिसमें अवयवी कण पास पास उपस्थित हो। हम ऐसे कह सकते हैं, ठोस में अवयवी कण प्रबल आकर्षण के बलों के कारण न्यूनतम दूरी पर होते हैं एवं एक सघन संरचना, ऐसी संरचना जिसमें अवयवी कण ठसांठस भरे हैं बनाते हैं, इस वजह से ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं। अरे अवयवी कण बिल्कुल पास पास है ना, यह वजह से ठोस कठोर है, असंपीड है, दबाया नहीं जा सकता। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, देखो बहुत ही अपनी भाषा में मैं लिखाऊंगा, आपको क्वेश्चन नोट करें, पहले लिखो क्वेश्चन, डालो क्वेश्चन नंबर, पाठ निहित प्रश्न डालो, मैं लिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे? ठोस में अवयवी कण प्रबल आकर्षण के बलों के कारण न्यूनतम दूरी पर होते हैं तथा एक सघन संरचना का क्या करते हैं, निर्माण, इसलिए ठोस कठोर व असंपिड होते हैं। लल्लू क्वेश्चन है, लल्लू बात है, पर लिख नहीं पाते आंसर, ये कमी है। पाठनित प्रश्न डाल दिए, क्वेश्चन डालो 1.1, लिखो क्वेश्चन, ठोस कठोर क्यों होते हैं? अब मैं आंसर बोल रहा हूं, लिखो। लिखो ठोस में अवयवी कण, आंसर लिखो, ठोस में अवयवी कण प्रबल अंतरान्विक बलों या प्रबल आकर्षण बलों, कैसे भी लिख लो, प्रबल अंतरान्विक बलों के कारण न्यूनतम दूरी पर उपस्थित होते हैं। अरे न्यूनतम दूरी पर भेंगे तो कठोर ही होएगा यार, न्यूनतम दूरी पर उपस्थित होते हैं तथा एक सघन संरचना बनाते हैं। सघन जाने, जहां सघन मतलब जहां अवयवी कण बिल्कुल पास पास है, ऐसी संरचना, सघन संरचना बनाते हैं, अतः ठोस कठोर व असंपीड होते हैं। ठोस कठोर व असंपीड होते हैं, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, पर इनका आंसर नहीं दिखता पेपर में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1.2, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? मैं अपने मन से पूछ रहा हूं, आप बताते चलो, आपके बुक के हैं क्वेश्चन, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों है? अच्छा, द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता, होता है क्या? होता है, आयतन द्रव का निश्चित होता है, 1 लीटर 2 लीटर नहीं होता क्या? होता है, 1 लीटर दूध 1 लीटर दूध ही रहेगा। अच्छा, ठोस का आयतन निश्चित क्यों, मैं तो क्वेश्चन यह है, द्रवण न छोड़ो, ठोस का आयतन इसलिए निश्चित है क्योंकि ठोस में जो अवयवी कण हैं वे गति नहीं करते हैं। बिल्कुल यही बात लिख सकते हैं जैसे आपने यहाँ लिखा है, ठोस में अवयवी कण न्यूनतम दूरी पर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं, अतः ठोसों का आयतन क्या होता है, निश्चित, गति ना करें और गति नहीं करते हैं तो इनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, सही है। तो बिल्कुल सिंपल लिख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह ठोस में अवयवी कण न्यूनतम दूरी पर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं, अतः इनका आयतन निश्चित होता है। यही आंसर लिखोगे और क्या लिखोगे इसमें,
ठीक है। तो क्वेश्चन 1.2 डालो, ठोसों का आयतन निश्चित होता है क्यों? ठोसों का आयतन निश्चित होता है क्यों? लिख सकते हो, लिखो आंसर। अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतरण्विक बलों के कारण, अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतरण्विक बलों के कारण, ऊपर वाला ये लिखा रहा हूं डिटो, प्रबल अंतरण्विक बलों के कारण ठोस में अवयवी कण न्यूनतम दूरी पर होते हैं। तो दोनों का आंसर लगभग एक जैसा ही लिखना है, ठोस में अवयवी कण न्यूनतम दूरी पर होते हैं, न्यूनतम दूरी पर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं, गति नहीं करते हैं, इसलिए ठोसों का आयतन निश्चित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.3 देख लो। मैं इस बुक में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूं जो आपको नहीं करा रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न को, बोर्ड की तरफ ध्यान, निम्न को अक्रिस्टलीय व क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत करो, मतलब क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस छांटने हैं आपको, कुछ ठोस दिए गए हैं उनमें से छांटने हैं अक्रिस्टलीय कौन से हैं और क्रिस्टलीय कौन से हैं। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट करता हूं, देख लो इधर मैंने दो शब्द लिख दिए, एक तो अक्रिस्टलीय और एक क्रिस्टलीय, तो छांटने हैं, मैं बोलता जा रहा हूँ छांटता जा रहा हूँ, है ना। ठीक है, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत करना है। देखो अब सुनते चलना, पॉलीयूरीथेन बताओ आपके हिसाब से, पॉलीयूरीथेन यहाँ जाना चाहिए। लड़का कह रहा है क्यों साहब, मैंने पॉलीयूरीथेन का मतलब समझ रहे हो, ये एक बहुलक है, एक चैप्टर आएगा बहुलक वाला, उसमें आपको बताया जाएगा कि पॉलीयूरीथेन एक बहुलक है, अभी आपको याद ही रखना पड़ेगा। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, जिनके आगे पॉली लग जाए आप समझ जाना वो एक बहुलक है, और बहुलक है तो वो कैसा ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस, रबर कांच प्लास्टिक और बहुलक अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्लियर। अगला आया नेफ्थेलीन, नेफ्थेलीन देखो ऐसा होता है, दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी होती हैं, ये नेफ्थेलीन है, तो नेफ्थेलीन एक बेंजीन जैसा ही तो है, है? बेंजीन जैसा ही तो है, बेंजीन ऐसा होता है, तो ये नेफ्थेलीन में नेफ्थेलीन के कल्ले सारे अणु होते हैं ऐसे अणु, और आपस में नेफ्थेलीन भी बेंजीन की तरह अध्रुवी अणु है, अरे इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही तो है, दोनों की विद्रुवता समान है, तो नेफ्थेलीन अध्रुवी अणु है, तो आप समझ गए, नेफ्थेलीन अणुओं के बीच में प्रेरित द्विध्रुव वैन डर वाल्स बंध मिलेगा, और नेफ्थेलीन कैसा ठोस होगा, आण्विक ठोस, मतलब है तो क्रिस्टलीय ठोस, है आण्विक ठोस वगैरह आयनिक ठोस ये सब क्रिस्टलीय ठोस ही तो है, तो नेफ्थेलीन एक क्रिस्टलीय ठोस है, और बढ़िया कहूं तो ये नेफ्थेलीन जो है एक आण्विक ठोस है। अब आण्विक ठोस भी तीन तरह के होते हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित, उनमें भी कौन सा है, अध्रुवीय, बेंजीन की तरह अध्रुवीय अणु होता है नेफ्थेलीन, और अध्रुवीय अणु तो आप समझ गए। अच्छा नेक्स्ट बढ़े अपन, बेंजोइक अम्ल वो भी इसमें आ गया, अब आप इंटेलिजेंट लड़का तो पहचान जाएगा, बेंजोइक अम्ल इस तरह का होता है, बेंजीन रिंग और COOH ये बेंजोइक अम्ल है, है हाइड्रोजन बंधित होगा, बेंजोइक अम्ल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन फोन से बात कर रहा है, ऐसा अणु खुद जैसे दूसरे अणु संग हाइड्रोजन बंध बनाता है, बेंजोइक अम्ल बताओ हाइड्रोजन बंधित आण्विक ठोस है कि नहीं, आण्विक ठोस ही है ना, तो आण्विक ठोस है तो क्रिस्टलीय ठोस होगा, दिमाग लगा लेना। नेक्स्ट कौन दे रखा है बेंजोइक अम्ल के बाद, टेफ्लॉन,
टेफ्लॉन एक बहुलक का नाम है भाई, याद रखना। अभी बहुलक आपने पढ़े नहीं है तो टेफ्लॉन एक बहुलक होता है। आपने देखे होंगे नॉन स्टिक बर्तन, सुने, जो ब्लैक बर्तन आते हैं, ब्लैक सी लेयर छड़ी होती है ना नॉन स्टिक बर्तन, वो जो ब्लैक सी लेयर छड़ी होती है उन बर्तनों पर, वो इसी की छड़ी होती है, टेफ्लॉन की। सही है, टेफ्लॉन की उसमें लेयर छड़ी होती है बर्तनों में, ब्लैक सी लेयर आपने देखे होगा नॉन स्टिक बर्तनों में, ब्लैक कलर के बर्तन, वो टेफ्लॉन की लेयर है। तो टेफ्लॉन एक बहुलक है, याद रखना, तो बहुलक है इसलिए यह क्रिस्टलीय ठोस में गया। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट मतलब KNO3। अब इसको तो देखते ही पहचान गए, लवण है ये, और लवण है तो ये आयनिक ठोस है। क्षार KOH और अम्ल HNO3 की क्रिया से बनेगा, और अम्ल और क्षार की क्रिया से बनेगा तो ये एक लवण है, और लवण जो होते हैं आयनिक ठोस होते हैं, और आयनिक ठोस है मतलब ये क्रिस्टलीय ठोस है। तो आप की थ्योरी दन्नाट याद होनी चाहिए, हर बात समझ में आएगी। सेलोफेन, सेलोफेन ये भी एक बहुलक है, तो मैं जिन्हें बता रहा हूँ आप याद रखो, पॉलीयूरीथेन, टेफ्लॉन, सेलोफेन, ये सब क्या है, बहुलक है। अच्छा, अगला है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, शॉर्ट में लिख देता हूँ पॉलीवाइनिल क्लोराइड, PVC, ये भी एक बहुलक है। पॉली लग गया, बहुलक है आगे। फिर इसके बाद कौन सा है, रेसा कांच, रेसा कांच, कांच ही है और कचूना है, गलन कन्फ्यूज हो जाए, ई का चीज आ गई, रेसा कांच मतलब कांच ही है। अब है तो कांच, और कांच आपको पता ही, रबर कांच, प्लास्टिक सब कैसे होते हैं, एक्रिस्टलीय ठोस, तो ये इसमें चला गया। और नेक्स्ट है इसमें एक आध और होगा कि यही है, यही है, तो आपने छांट दिए। तांबा और है क्या, तांबा तो धातु है, तो तांबा है तो तांबा तो इसी में आएगा, तांबा मतलब कॉपर, धातु मतलब आण्विक ठोस, धात्विक ठोस। देखो ये धात्विक ठोस है, धातु है, ये लवण है, आयनिक ठोस है, ये दोनों आण्विक ठोस है, ये भी हाइड्रोजन बंधित आण्विक ठोस है, और ये कैसा है, अध्रुवीय आण्विक ठोस। तो आप इसको भी वर्गीकरण को आगे बढ़ा सकते थे। क्लियर, इसको फटाफट नोट करें, क्वेश्चन 1.3 को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच को अति शीतित द्रव क्यों माना जाता है, क्वेश्चन 1.4, ये आपने पढ़ा है। क्वेश्चन सब आपकी कॉपी में लिख रहे हैं, 1.4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांच को अति शीतित द्रव क्यों माना जाता है। कांच को अति शीतित द्रव क्यों माना जाता है, अति शीत मतलब अत्यधिक ठंडा। आपको पता ही है कांच जो है एक एक्रिस्टलीय ठोस है, कैसा ठोस है, एक्रिस्टलीय, अभी बताया था। और अत्यधिक ठंडा द्रव, ध्यान करो, अति शीतित द्रव, याद आ गया, कांच एक एक्रिस्टलीय ठोस है, और एक्रिस्टलीय ठोसों को अति शीतित द्रव कहते हैं, क्योंकि एक्रिस्टलीय ठोस अति शीतित द्रवों से गुणों में क्या दर्शाते हैं, समानता। कैसे, याद करो, एक्रिस्टलीय दोष धीमी गति से बहता है, ये भी धीमी गति से बहता है, दोनों में अभी भी कणों की कोई निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती। कांच एक एक्रिस्टलीय ठोस है, और एक्रिस्टलीय ठोस अत्यधिक ठंडे द्रवों से गुणों में समानता दर्शाते हैं, अतः कांच को क्या कह सकते हैं, अति शीतित द्रव। मैं लिखाता हूँ आंसर, क्वेश्चन डालो, देखो क्वेश्चन 1.4, कांच को अति शीतित द्रव क्यों माना जाता है। ठीक है, कांच को अति शीतित द्रव क्यों माना जाता है, लिखो इसमें, कांच
एक अक्रिस्टलीय ठोस है, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसमें अत्यधिक ठंडे द्रवों के समान धीमे बहने का गुण, मतलब कांच में अत्यधिक ठंडे द्रवों के समान धीमे बहने का गुण, वे अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था नहीं होती है, अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है, अतिशीतित द्रव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, 1.5। ठीक है, 1.5 डालो, लिख लिए, लिखो 1.5 में बोल रहा हूं। देखो, एक ठोस का अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान प्राप्त होता है, लिख लिया, आगे लिखो, इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए, लिख लिया, आगे एक बात और लिखो इसी में ही, क्या यह विदलन का गुण प्रदर्शित करेगा, अब उसने कहा है एक ठोस है, सही है, उसके लिए अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं से समान आ रहा है, अब अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं से समान आ रहा है, तो वो क्रिस्टलीय ठोस है कि अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिकता दर्शाते हैं, पर यहाँ पर अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं से समान आ रहा है, तो ये ठोस कैसा है, अक्रिस्टलीय ठोस है। हो गई इस बात पर टिप्पणी कि यह ठोस किस प्रकार का है, इसकी प्रकृति पर टिप्पणी हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है वो, आगे क्या कह रहा है, यह ठोस का विदलन होगा कि नहीं, मतलब विदलन का मतलब इसे काटें तो ये दो इसे अगर हम इस ठोस को काटें तो कटे हुए भागों की सतह सपाट मिलेंगी क्या, नहीं, तो ये विदलन का गुण दर्शाता है नहीं दर्शाता, कटे हुए भागों की सतह सपाट मिले तो दर्शाता, और क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनको काटने पर कटे हुए भागों की सतह सपाट आती हैं, अक्रिस्टलीय को नहीं, तो अक्रिस्टलीय ठोस विदलन का गुण नहीं दर्शाते हैं, तो इसका आंसर मैं लिखाता हूं, लिखो आंसर, चूंकि से स्टार्ट करो, चूंकि इस ठोस के लिए सभी दिशाओं से अपवर्तनांक के मान समान प्राप्त होते हैं, अतः यह ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय नहीं, कैसा है, अक्रिस्टलीय ठोस है, और एक लाइन और लिख लो, यह विदलन का गुण प्रदर्शित नहीं करेगा।
ठीक है। अच्छा ये हो गया क्वेश्चन 1.5। अब क्वेश्चन आया 1.6। बुक के अंदर के क्वेश्चन चल रहे हैं या पाठ निहित प्रश्न? 1.5 तक तो अपन ने कर लिए, 1.6 लिख लो। चलो क्वेश्चन 1.6 लिखो। अंतरांविक बलों के आधार पर, मैं बोल रहा हूं लिखो, अंतरांविक बलों के आधार पर निम्न ठोसों को, अंतरांविक बलों के आधार पर निम्न ठोसों को विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। निम्न ठोसों को विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए, विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। अब वे कौन कौन से हैं? एक तो दे रखा है पोटेशियम सल्फेट K2SO4, एक दे रखा है, रुक जाना आप सामने देखो, टेन, ठीक है, एक दे रखा है बेंजीन, एक दे रखा है, सब जानते हो तुम, यूरिया, सब पढ़ रखा है आपने, एक है अमोनिया, और है जल, और है जिंक सल्फाइड, सॉल्ट में लिख देता हूं जड़नेस, जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइट, रुबिडियम, रुबिडियम, ऑर्गन और सिलिकॉन कार्बाइड। इनको वर्गीकृत करना है, मतलब कौन सा किस तरह का ठोस है, बताते चलो मुझे, मैं एक एक के बारे में लिखूंगा। K2SO4 बताओ लवण है कि नहीं है? है। क्षार KOH और अम्ल H2SO4 की क्रिया से बना है, बताओ कैसा ठोस है? लवण है तो आयनिक ठोस है, सबके बारे में लिख सकते हैं इस तरह से। टेन धातु है या नहीं है? है। और धातु है तो टेन कौन सा ठोस होगा? धात्विक ठोस। बेंजीन ध्रुवीय अणु, इनसे बना होगा, और ये ध्रुवीय अणु है, कार्बन हाइड्रोजन की विद्रुवता समान, तो बेंजीन C6H6 अणुओं से बना हुआ ठोस है, ध्रुवीय अणुओं से बना हुआ ठोस है, तो आणविक ठोस होगा, और वो भी कैसा? ध्रुवीय आणविक ठोस, जिसमें बंद कौन से होंगे? प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव। ध्रुवीय आणविक ठोसों में कौन से बंद होते हैं? द्विध्रुव, द्विध्रुव। यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2, ये होता है, बार बार याद दिला देता हूं, इसमें हाइड्रोजन फोन से बात कर रहा है, तो यूरिया अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंद होगा, तो ये एक आणविक ठोस है, पर कैसा? हाइड्रोजन बंधित, शॉर्ट में लिख देता हूँ हाइड्रोजन बॉन्डेड आण्विक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आण्विक ठोस। अच्छा अगला कौन है? अमोनिया NH3। अमोनिया भी ऐसा अणु है जिसमें हाइड्रोजन फोन से बात कर रहा है, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बंधित आण्विक ठोस हो जाएगा। अगला कौन सा है? जल, जल भी यही हो जाएगा, H2O। जल में भी हाइड्रोजन उसे फोन से बात कर रहा है, तो जल भी हाइड्रोजन बंधित आण्विक ठोस हो जाएगा, पूरा लिख लेना। जिंक सल्फाइड, ध्यान करो इसमें अभी भी कहूंगे Zn+2S-2, नुसाब ये कब बताया? शॉर्ट की दोष उसके उदाहरण में है, शॉर्ट की फ्रेंकल, फ्रेंकल के में AgBr Zn+S, जिनमें धनायन और ऋणायन, अरे धातु और अधातु, जिंक और धातु और अधातु के बीच में आयनिक बंध बनता है, जिंक धातु है, सल्फर धातु है, आयनिक बंध बनेगा तो ये आयनिक ठोस है भाई। ग्रेफाइट सब जानते हैं सहसंयोजक ठोस है, कारण परमाणु से बना होगा, जिनके मध्य सहसंयोजक बंध होंगे, कॉपी में लिख रहे हैं सब। रुबिडियम धातु है, धातु है तो कौन सा ठोस होगी? धात्विक ठोस। ऑर्गन उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैसों को मैंने, ध्यान करो आपको बताया था, आण्विक ठोसों में जाती है, ध्रुवीय आण्विक ठोस।
इनमें बंद बनते हैं दुर्बल बंद प्रबल बंद प्रेरित द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव ध्रुवीय आण्विक ठोस सिलिकॉन कार्बाइड लिख रहा है कॉपी में कौन सा ठोस होगा सहसंयोजक ठोस नहीं आया याद तो सब आपके पढ़े हुए हैं कोई नया नहीं पढ़ाया सब आपके कॉपी में लिख रहे हैं ये सब लिख रहे हुए हैं आपकी कॉपी में फटाफट नोट करें पॉज करो वीडियो को नोट करो पॉज करो नोट करो देखो मुझे कितने क्वेश्चन कराने पड़ रहे हैं ना सरल सरल भी क्वेश्चन नंबर 1.7 नोट करें इतना टाइम नहीं है अपने पास क्वेश्चन 1.7 नोट करें लिखो इसमें 1.7 में लिखो ठोस ए अत्यधिक कठोर जल्दी मेरे संग संग लिख लो ठोस ए अत्यधिक पाठ निहित प्रश्न चल रहे हैं अत्यधिक कठोर सही है ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा ठोस व गलित अवस्था में विद्युत रोधी है तथा ठोस व द्रव अवस्था में मतलब दोनों अवस्था में विद्युत रोधी मतलब कुचालक है विद्युत रोधी कुचालक एक ही बात है रोधी विद्युत रोधी आगे क्या कह रहा है यह किस प्रकार का ठोस है यह किस प्रकार का ठोस है सोच लो रे हाँ अत्यधिक कठोर है अब बात सुन लो देखो ठोस अपन ने क्रिस्टलीय ठोस चार भागों में बांटे थे आयनिक और धात्विक धात्विक आयनिक आण्विक और सहसंयोजक पढ़े थे ना चार तरह के अब सोचो पहले सहसंयोजक बता मुझे धात्विक ठोस विद्युत के चालक होते हैं दोनों ही अवस्थाओं में ठोस में भी और द्रव में आयनिक ठोस द्रव अवस्था में विद्युत के चालक हैं अब ये ठोस ए इन दोनों में से थे नहीं क्योंकि ये दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी कुचालक है धात्विक ठोस तो ठोस हो या द्रव हो दोनों ही अवस्थाओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत का चालक है आयनिक ठोस द्रव अवस्था में गतिशील आयनों के कारण विद्युत का चालक है अब इन दोनों में से आण्विक ठोसों में आपको पता ही है दुर्बल बंध मिलते हैं वान डर वाल बंध या हाइड्रोजन बंध जो दुर्बल बंध है भाई और सहसंयोजक ठोस में आपको पता है प्रबल बंध मिलते हैं सहसंयोजक बंध तो इसका आंसर क्या जाना चाहिए सहसंयोजक ठोस अत्यधिक कठोर है आण्विक ठोस तो अत्यधिक कठोर का होते हैं उनमें तो कमजोर बंध मिलते हैं प्रबल बंध थोड़ी होते हैं उनमें तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस उन्हें नेटवर्क ठोस भी कहते हैं ना आंसर लिख लो इसका सहसंयोजक ठोस क्वेश्चन नंबर 1.8 क्वेश्चन नंबर 1.8 नोट करें लिखो आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं क्यों क्वेश्चन लिखा 1.8 आयनिक ठोस गलित अवस्था में आयनिक ठोस गलित अवस्था में गलित मतलब पिघली हुई अवस्था द्रव अवस्था गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं विद्युत के चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं क्यों इसका आंसर देना है आपको खूब पढ़ाया ये आयनिक ठोसों में अवयवीकरण धनायन में ऋणायन होते हैं सही है
परंतु ठोस अवस्था में ये गतिशील नहीं होते, अतः यानी ठोस अवस्था में विद्युत के चालक नहीं है। विद्युत के चालक वे होते हैं जिनमें गतिशील आयन हों। आयनिक ठोस में आयन तो हैं पर वे गतिशील नहीं है, पर द्रव अवस्था में ये आयन कैसे हो जाएंगे गतिशील? तो आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के चालक नहीं है क्योंकि इनमें आयन तो हैं पर वे गतिशील नहीं है। परंतु गलित अवस्था में आयनिक ठोस में उपस्थित आयन गतिशील हो जाते हैं, अतः ये विद्युत के चालक हो जाते हैं। लिख सकते हैं ना इसका आंसर? लिखो, मैं लिखा देता हूं, चलो आंसर डालो। देखो, आयनिक ठोसों में अवयवी कण धनायन व ऋणायन होते हैं। आयनिक ठोसों में अवयवी कण धनायन व ऋणायन होते हैं। अवयवी कण धनायन व ऋणायन होते हैं जो धनायन व ऋणायन होते हैं जो ठोस अवस्था में गतिशील नहीं होते हैं, अतः आयनिक ठोस ठोस अवस्था में विद्युत के चालक नहीं है। ठोस अवस्था में विद्युत के चालक नहीं है परंतु आयनिक ठोस में द्रव अवस्था में या गलित अवस्था में, कुछ भी लिख लो, परंतु आयनिक ठोस में द्रव अवस्था में या गलित अवस्था में आयन गतिशील हो जाते हैं। पिघली हुई अवस्था में तो गतिशील होंगे, आयन गतिशील हो जाते हैं अतः आयनिक ठोस, स्पीड बढ़ाओ, आयनिक ठोस द्रव अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, अब 1.9 सुन लो, सरल सा क्वेश्चन है। किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक? तो हमको तुरंत ही आंसर दे दिया हमने तो पहली लाइन में ही। वे ठोस कौन से हैं? धात्विक ठोस। ठोस की कह रहा है कौन से ठोस विद्युत के चालक? धात्विक ठोस। आघात वर्धनीय है, चोट डाले फैल जाए, धातु सभी ऐसी होती हैं, और तन्य होते हैं। तो कौन से ठोस होते हैं आघात वर्धनीय विद्युत के चालक? तो इसका आंसर क्या जाएगा? धात्विक ठोस। तो हो गया, ये तो बिल्कुल सरल है। आगे और बढ़ते हैं, पाठ नेत प्रश्न। भाई देखो, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आपको क्या पढ़ना तो होगा। क्वेश्चन नंबर 1.10, जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? आपको पता ही है, क्रिस्टलीय ठोस में या क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदुओं से दर्शा देते हैं। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदुओं से दर्शाते हैं, वे बिंदु क्या कहलाते हैं? जालक बिंदु। परिभाषा लिखी हुई है आपके में, तो इसमें कुछ नहीं लिखाना मुझे। एक एकक कोष्टिका के पैरामीटर कौन कौन से हैं? आपने पता है पैरामीटर एकक कोष्टिका के कितने होते हैं? 6। किसी कोने पर मिलने वाले 3 किनारों की लंबाई ABC और उनके मध्य के कोण अल्फा बीटा व गामा। क्लियर? निम्न में विभेद कीजिए षटकोणीय और एकांताक्ष एकक कोष्टिका। पढ़िए आपने, षट पैरामीटर के आधार पर विभेद करना। षटकोणीय एकक कोष्टिका के पैरामीटर क्या थे? याद आ रहा है, A=B षटकोणीय के, एक षटकोणीय और कौन कौन सी है एकांताक्ष एकक कोष्टिका में विभेद करना है, तो पैरामीटर के आधार कर दीजिए। षटकोणीय एकक कोष्टिका के पैरामीटर थे A=B ≠ C, α/β = 90°, γ = 120, और एकांताक्ष के भी आपको पता ही होंगे है A≠ B, B≠ C। एक कोण चेंज था उसमें, एकांताक्ष एक कोण चेंज है। तो इस तरह से ये आपको पढ़ाए गए हैं, सही है, तो आप कर सकते हैं।
फलक केंद्रित एवं अंत्य है केंद्रित एक कोष्ठिका विभेद करना है, अंत्य है केंद्रित में कर देना, एक कोष्ठिका फलक केंद्रित एक कोष्ठिका में विभेद करना, सभी आठों कोणों पर एक मध्य में ऐसे तरह से, सही है तो आप कर सकते हो। तो ये तो बड़े सरल क्वेश्चन है, इसमें सबको कठिन क्वेश्चन बचा नहीं है, तो अब हम बिल्कुल सरल सरल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई ऐसा कठिन नहीं है, अधिकांश मैंने आपको कराए दिए हैं, ठीक है, अब कोई कठिन क्वेश्चन इसमें बचा नहीं है, सब मैंने लगभग करा दिए हैं। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा भाई, और कोई क्वेश्चन में समस्या हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है, तो अब हम और क्वेश्चन कर लो, फिर आपको और कोई समस्या है तो बता देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस भी करो कुछ, बाकी अब थ्योरी बिल्कुल रन आउट कंप्लीट चैप्टर, आप इसे ढंग से लर्न करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिए भाई।